ग्वालियर शहर में स्मैक की बड़ी खेप लेकर आई इंटरस्टेट गैंग को क्राइम ब्रांच ने घेराबंदी कर पकड़ लिया है। गिरोह के 4 सदस्य भिंड रोड, 2 सदस्य तिघरा रोड और 2 सदस्य कलेक्ट्रेट रोड से पकड़े हैं। इनके पास से 4 बाइक और 2 किलो 100 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। बरामद स्मैक की कीमत 2 करोड़ 10 लाख रुपए बताई जा रही है। ये तस्कर यूपी के इटावा से माल लेकर शहर में खपाने आए थे। स्मैक में पुलिस की अभी तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। सोमवार रात 9:30 बजे पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया। अब पुलिस पता लगा रही है कि ये स्मैक सप्लाई कहां होनी थी। उसके लिए काम कर रही थी और कई इन्फॉर्मर मुखबिर भी डेवलप किए थे। उसी से ये सूचना प्राप्त हुई कि यूपी से एक बहुत बड़ी खेप लेके कुछ लोग यहां पर आए हैं, जो कि शहर में अन्य लोगों को देंगे, जो कि गली मोहल्लों में छोटे सप्लायर्स को देते हैं। इस सूचना पर सबसे पहले टोल प्लाजा भिंड रोड में आज 4 लोगों को पकड़ा गया और उनके पास से 1 किलो स्मैक बरामद हुई। और जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके बताए अनुसार उन्होंने 4 अन्य लोगों को दी थी, जिनको इसमें अभी आईजी सर और डीआईजी सर ने भी काफ़ी इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि ये जो मुहिम चल रही है इसमें ग्वालियर में जो स्मैक के लिए कार्रवाई ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, और इसी कारण ये एक अच्छी सफलता मिली है। और इसमें पूरी टीम को आईजी साहब ने 25,000 रुपये का कैश अवार्ड भी देने का घोषणा की।